अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है वो जान लीजिए। गाजीपुर में एक बजे तक 38.87% मतदान हो चुका है। बात चंदौली की करें, एक बजे तक 42.68% वोटिंग यहां पर हुई है और एक बजे तक का मतदान प्रतिशत आप देख रहे हैं चंदौली में एक बजे तक 42.68% वोटिंग। तो इन दोनों जगहों पर वोटिंग हमने आपको बताई। सुबह से ही हम देख रहे हैं लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। दोपहर के वक्त थोड़ा सा धीमा मतदान जरूर थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीत रहा है मतदान फीसदी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां लोगों से वोट की अपील की है, तो वहीं पीएम मोदी की साधना पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया है। मोदी जी की यह आराधना एक आध्यात्मिक आराधना या आध्यात्मिक आराधना राष्ट्र आराधना है। भारत माता के इसी चरणों में वह एक आराधना है जो राष्ट्र को समर्पित है, भारत की 140 करोड़ जनता की जनार्दन की सेवा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है और ये भारत की परंपरा है। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की ध्वजियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और जिनके कारनामों से जनता उनको बार बार ठुकराई है, वे लोग मोदी जी के इस ध्यान साधना और इस राष्ट्र आराधना का मखौल भले ही उड़ा सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन अपने नेता के समर्थन में और उनके पूरे कार्यक्रमों के साथ पूरे समर्पित भाव के साथ जुड़ी हुई है और जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद पूरा स्नेह मोदी जी के साथ में है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह मोदी जी की ध्यान साधना का कार्यक्रम भी राष्ट्र आराधना का हिस्सा है और इसका लाभ भी देश को प्राप्त होगा। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कहा है कि कहीं पर कोई चुनौती नहीं है, विपक्ष लड़ाई में ही नहीं है, सिर्फ भ्रम में है। राजभर ने कहा कि 4 जून के बाद विपक्षी दलों के नेता विदेश भाग जाएंगे। कितनी बड़ी चुनौती लग रही है आपको? कोई चुनौती नहीं है, कहीं चुनौती नहीं है न कहीं लड़ाई है। ये सिर्फ विपक्ष के लोग, आप देखिएगा ना, आप आजकल में बैठक करेंगे विदेश जाने के लिए, अब यहाँ उनको ठिकाना मिलेगा नहीं। वो सब मान गए हैं कि अब तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी के काम से, योगी जी के काम से, जो सूबे में योगी जी ने काम किया है और मोदी जी ने जो देश में काम किया है, उस उन दोनों लोगों के काम से जनता मोदी जी को वोट दे रही है। आपके बेटे अरविंद राजभर भी घोषित से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है वहां का जो जातीय समीकरण है वो कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण? कोई चुनौती नहीं है, किसी को पता नहीं है। जितना वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का है उससे 2.5 गुना ज्यादा वोट विश्वकर्मा लोहार का है, उनसे 4 गुना ज्यादा वोट गोण खरवार का है, उनसे कम से कम बता रहा हूं कि 20 गुना ज्यादा वोट अकेले भर का है, उनसे 15 गुना ज्यादा वोट चौहान का है। ये कहां लड़ाई में है, भरम में है। जितना वोट उनको मुसलमान देगा उतना दबा देगा रतनपुरा में सदर में, न राजभर खाली दबा देगा तो फेचकूर आ जाएगा। अच्छा, चौहान राजभर और निषाद को अभी नहीं जानते हैं, ये जब पानी में हीड़ देते हैं ना तो मुंह बा देते हैं लोग, जो पनिया में रहते हैं ना वो मुंह बा देते हैं। तो क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट है कितनी आप लोगों को मिल रही है? 80 की 80 जीतेंगे। और देश में 4 जून को 4 बजे 400 पार आपके स्क्रीन पर। गाजीपुर से एसपी उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने लोगों से वोट डालने की अपील की है और कहा है कि भीषण गर्मी के बावजूद लोग मतदान करने के लिए आ गए। यहाँ जो मतदान चल रहा है आखिरी फेज में और ऐसे में अफजाल साहब हमारे साथ हैं। सर पहले दिखाइए स्याही, आप लोगों को दिखाइए और अपनी खुशी बताइए। नहीं, भारत के हर नागरिक को सर अपने अधिकार का प्रयोग करके उतनी ही खुशी होनी चाहिए जितना मुझे है। मुझे गर्व है सर, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के हर बालिग नागरिक को वोट कास्ट करने का अधिकार है। आज अंतिम चरण का जो मतदान हो रहा,
बेहद गर्मी है, बहुत कष्ट होगा हमारी महिलाओं को, खासतौर से गर्भवती महिलाओं को, हमारे बुजुर्गों को, लेकिन चुनाव आयोग का इंतजाम करने वाले मालिकों को इसका एहसास हो। देखिए कितने आज मतदान कर्मी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, कितने मतदाताओं के ऊपर क्या बीतती है, लेकिन लोकतंत्र के लिए हर त्याग हर कुर्बानी देने को लिए जनता तैयार है। बस एक आखिरी चीज सर, क्या कहना चाहेंगे इस मौसम को लेकर और राजनीतिक मौसम को लेकर? सर राजनीतिक मौसम तो चकाचक है, 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, विदाई होगी धूमधाम से। और अगली बड़ी खबर गाजीपुर से, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार पारसनाथ राय ने यह कहा है कि पिछले 5 साल में गाजीपुर के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए विकास के लिए लोग बढ़ चढ़कर वोट कर। जिले में विकास की एक रेखा खींच दी गई थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इधर के दिनों में जो विकास का काम जिले में ठप सा हो गया, और आप सबसे लोगों से पूरी मेरी उम्मीद है कि वह विकास आपको बार बार याद आएगा और विकास के पक्ष में आप अपना मतदान करेंगे, यही आप सबसे बार बार निवेदन है और प्रार्थना है। सर क्या किस मुद्दे को और क्यों कौन से मुद्दे लेके आप गाजीपुर की जनता के बीच गए थे और आज आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि अब आपने भी वोट अपना कास्ट कर दिया, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए मैंने तो हमेशा ये बात कही कि 1419 तक आदरणीय सिन्हा जी इस जिले के प्रतिनिधि थे और उन्होंने जो विकास का काम शुरू किया वह अगल बगल के जिले नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले ऐसे सांसद रहे हैं जिन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं गाजीपुर जनपद में लाई गई, लेकिन इन पिछले 5 वर्षों में गाजीपुर अपने को ठगा सा महसूस किया। विकास यात्रा है जिस प्रकार से एक बदलता हुआ भारत दुनिया के सामने है, उस क्रम को लगातार निरंतर बनाए रखने में अपना योगदान, सर आज उन्हें पूरी तैयारी करने का अधिकार है और बाकी सारी चीज़ें 4 जून को स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिस प्रकार से नीचे से लोगों का रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है, सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, और हमारी पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने अपनी बात घर घर तक पहुँचाने का काम किया, अपना रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक दरवाजे पर रखने का काम किया, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, नाटक क्यों कर रहे हैं, ये घर पे भी हो सकता है, ये तमाम चीजें बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे इस प्रकार के अपने धर्म के प्रति सबके हम सबके मन में आस्था है और अपने धार्मिक आधार पर हमें संविधान ये स्वतंत्रता भी देता है और निश्चित रूप से अपनी गतिविधि हमें करने का अधिकार है, हमने किसी को रोका नहीं है। इंडिया गठबंधन के लोग जहाँ चाहे जा सकते हैं, तो ये हमारा निजी विषय है, इसमें किसी को बोलने का मुझे लगता है कोई विषय नहीं है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, मतदान प्रतिशत आ गया है, गाजीपुर में 1 बजे तक 38.87% मतदान हुआ है, चंदौली में 1 बजे तक 42.68% वोटिंग हुई है। बात घोसी की करें तो 38.21% वोटिंग हुई, सलेमपुर में 37.5% वोटिंग, देवरिया में 39% मतदान हुआ है, गोरखपुर में 37.39%, जबकि बांसगांव में 37.74% वोटिंग हुई है, मिर्जापुर में भी 41% पहुंच करके एक मजबूत राष्ट्र के लिए, विकसित भारत के लिए 100% मतदान करें। सर, इंडिया गठबंधन की आज बड़ी बैठक दिल्ली में, वो पूरी तरह से फ्लॉप होगा, 4 तारीख को देखना है, ये सब इधर उधर हो जाएंगे, 4 जून की 4 तारीख को सब छुट्टी मनाने के लिए विदेश चले जाएंगे, पूरी तरह से बीजेपी राजग गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रहा है। एग्जिट पोल का बहिष्कार करने के ऐलान पर अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस को निशाने पर लिया है और कहा है डटकर हार का सामना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लगता है कि राहुल गांधी के कांग्रेस में मुख्य व्यवस्था में आने के बाद कांग्रेस
देश की सभी प्रकार की संस्थाएं, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो, चाहे एजेंसियां हो, सबके सामने डिनायल मोड में आ चुकी है। ये इसी का परिणाम है कि ये कल के एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि शत्रुमुख वृत्ति से कभी किसी का फायदा नहीं होता, डटकर हार का सामना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई चुनाव हारे, मगर हमने कभी मीडिया का बहिष्कार नहीं किया, एग्जिट पोल का बहिष्कार नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो एग्जिट पोल होगा वो 400 पार के भारतीय जनता पार्टी के नारे को जमीन पर उतारने वाले नतीजे लेकर आएगा। तस्वीरें आप देख लीजिए, 13 की 13 सीटें जहां पर आज मतदान हो रहा है, वोट कास्ट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। वाराणसी, कुशीनगर, गोरखपुर, गाजीपुर, देवरिया, चंदौली, बांसगांव, ये वो सीटें जहां पर आज वोटिंग हो रही है। इसके अलावा जो दिग्गज पहुंचे मतदान करने के लिए, रवि किशन जो कि उम्मीदवार है गोरखपुर से, इसके अलावा अनुप्रिया पटेल को आप देख सकते हैं, अनिल राजभर, अफजाल अंसारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पंकज चौधरी, सुप्रिया श्रीनेत, अजय राय और ओपी राजभर, ये भी मतदान करने के लिए जब पहुंचे उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये 12 तस्वीरें आप देख लीजिए जहां जहां पर आज मतदान हो रहा है, उन 12 जगहों की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। देवरिया, वाराणसी, सोनभद्र, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, घोसी, महाराजगंज, कुशीनगर, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लगातार न्यूज 18 पर महा कवरेज जारी है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो उत्तर प्रदेश विकास की राह पर चल रहा है, सिर्फ विकास एक मुद्दा है। हम 10 साल पहले भी विकास के मुद्दे को लेकर चले थे, आज भी विकास का मुद्दा है। कहीं कोई विपक्ष नहीं है, कहीं कोई किसी तरह का रोष नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर ही काम कर रहा है। शतिंदु जी, विपक्ष ही कह रहा है कि पहले तो बात की जा रही थी 400 पार की, पहले बात की जा रही थी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने की, लेकिन धीरे धीरे बदलता गया चरण दर चरण जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा और अब 7वां चरण आ गया है, तो अभी इतने चेंजेस क्यों आ रहे हैं? जो आंकड़े दिए गए पहले उनको कम क्यों कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने? क्योंकि अब विपक्ष ये कह रहा है कि अब तो 250 तक पहुंच गए, अब तो 150 तक पहुंच गए, ऐसा है क्या? देखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 400 सीटों पे ईवीएम मशीन खराब हो जाएगी और 400 सीटों पे संविधान की हत्या हो जाएगी। विपक्ष आखिरी सांसें ले रहा है, इनका कोई वजूद नहीं है, कोई इनका भविष्य नहीं है। ये आदि काल में ये जाने वाले हैं, तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, जिस तरह का हमने कार्य किया है पिछले 10 साल में, 2 विधानसभा, 2 लोकसभा और 2 निकाय चुनाव में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, यही ट्रेंड आगे चलने वाला है। ना केंद्र की सरकार बदलने वाली है, ना उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने वाली है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर एनडीए को विजय प्राप्त होगी और 400 से ज्यादा सीटों पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी एनडीए के साथ। ठीक है, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं ज्ञानेश श्रीवास्तव जी का। ज्ञानेश जी, आपको भी लगता है कि चरण दर चरण जो हमने देखे नेताओं के, प्रवक्ताओं के बयान, क्या बदले हैं या फिर उसी तरह का उत्साह, उसी तरह का जोश भारतीय जनता पार्टी में है जो पहले चरण के वक्त था? आपको क्या लगता है, आप जरा बताइएगा कि इस बार का चुनाव किन मायनों में आप अलग मान रहे हैं पहले के चुनावों से? देखिए, चुनाव आप इसे समझिए कि 2014-2019 के चुनाव में मोदी जी की आलोचना होती थी और इस चुनाव में शुरुआत कैसे हुई है, कांग्रेस की आलोचना से, कांग्रेस के घोषणा पत्र की आलोचना से, मंगल सूत्र से चुनाव शुरू हुआ और मुद्रा तक आकर पहुंचा है। तो चुनाव की जो धुरी थी ना पहले,
पहले मोदी जी पर लोग आलोचना करते थे, उन पर उनकी कमियां ढूंढते थे, और इस चुनाव में शुरू से ही विपक्ष की कमियां को ढूंढते रहे मोदी जी और बीजेपी तमाम। तो चुनाव के मायने तो इस बार बदले हैं, इसमें दो राय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो लगातार हर चरण के बाद जो मुद्दे शिफ्ट होते गए, जैसे मुसलमान तक भी ये बात पहुंची, मुजरा पहुंचा, मंगलसूत्र पहुंचा, मटन मछली तक की भी बात की गई, और किसके लिए बात की गई, वो विपक्ष के नेताओं के लिए बात की गई। अब पहले क्या था कि मोदी जी ये गलत कर रहे हैं, मोदी जी ये गलत कर रहे हैं, बीजेपी ये गलत कर रहे हैं, बीजेपी की नीतियों की आलोचना होती थी। तो इस चुनाव में धूरी बदल गया है, जैसे नजदीक है फैसला, अब आखिरी वोट पड़ते ही हर दिल में होगा सिर्फ एक सवाल, किसके हाथ में होगी देश की कमान। सांस थामे जब भारत करेगा इंतजार, भारत का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार लेकर आएगा एग्जिट नहीं एग्जैक्ट पोल। 543 सीट, एक बड़ा फैसला। जानिए हमारे साथ न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल का हर नतीजा आज शाम 5 बजे से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज 18 की महाकवरेज। बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि बीजेपी की बड़ी जीत होगी, विपक्ष हार के लिए ईवीएम को दोषी ठहराएगा। चार के बाद ये लोग सिर्फ एक ही रोना रोएंगे कि ईवीएम खराब है। 4 तारीख को अगर आप अखिलेश यादव और राहुल गांधी को ढूंढेंगे तो ये मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे कहीं तो बोलेंगे ईवीएम खराब है, एक ही रोना रोएंगे ये। तो देख सकते हैं आप, सुबह से ही हर तस्वीर न्यूज 18 आपको दिखा रहा है, वोटिंग के लिए लंबी लंबी कतारें लगी नजर आई। लेकिन इस बीच दिनेश लाल यादव निरहुआ को आपने सुना, जो ये कह रहे हैं कि बाद में ईवीएम का रोना रोता हुआ विपक्ष सुनाई देगा और विपक्ष हार के लिए ईवीएम को ही दोषी ठहराएगा। चलिए सीधा रुख करते हैं वाराणसी से, उपेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए कि किस तरह की तस्वीर है वहां पर। लगातार वोटिंग की कवरेज आप कर रहे हैं उपेंद्र, और अलग अलग बूथों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। दोपहर के वक्त थोड़ा सा धीमा जरूर होता है मतदान, और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। कितना है इस वक्त वहां पर टेम्परेचर, और मतदाता कितने उत्साहित है जरा दिखाइएगा उपेंद्र। देखिए बिल्कुल धूप की तलखी तो जरूर कम है, लेकिन उमस बेहद ज्यादा है, बावजूद इसके उत्साह कम नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप 1 बजे ये बहुत बड़ा फिगर होता है, 1 बजे तक 40% मतदान, यानी कि इस लिहाज से अगर हम समझे तो मतदान इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। भीड़ अभी भी आपको यहाँ पर हर बूथों पर नजर आ रही होगी, कुछ लोग वोट डालने जा रहे हैं, कुछ लोग वोट डाल के आ रहे हैं, यानी कि जो उत्साह है वो मौसम से कहीं प्रभावित नहीं हो रहा है। लगातार जो लोग हैं वो अपना वोटिंग कास्ट कर रहे हैं। आपने वोट डाल लिया मैडम? क्या नाम है आपका? पूजा खन्ना। किन मुद्दों पर डाला आपने वोट? मुद्दा तो बस मोदी जी बनारस को विकसित कर रहे हैं, आगे जो और है वो भी करें, बस यही है, और पूरे विश्व में बनारस का नाम हुआ है। आपने वोट कर दिया? सुबह ही डाल दिया वोट। अच्छा, तो आप सब वोट डालने के लिए अंदर हैं? इतने लोग वोट डालवाने के लिए आप मोबाइल हाथ पे लिए हैं? दादाजी क्या किन मुद्दों पे वोट किया है? राष्ट्र है, राष्ट्र को जो आगे ले जाए, नेशन को जो डेवलप करे, उसी के लिए वोट डाल रहा है। नेशन डेवलप है, उस राह पे है, डेवलप बिल्कुल है, नेशन डेवलपमेंट के राह पे है। सारा समझ जाइए, जब कोई ये कहे कि काम हो रहा है, अभी सब बेहतर हो रहा है, और बेहतर हो तो आप समझ जाइए कि बात किसकी हो रही है। खास बात यह है कि आप यहां पर देखिए, लगातार जो लोग हैं वो आ जा रहे हैं, मैं इनसे बात भी कर लेता हूं। भाई साहब, मौसम का प्रभाव नहीं पड़ रहा है? 40% वोट पड़ चुका है। आज जो है हम लोगों ने इंद्रदेव से स्टे लिया हुआ है, 7वें चरण का चुनाव है, जो 47 डिग्री था, इंद्रदेव जी ने हम लोग की सुन ली है, 40 डिग्री हो गया ये तापमान, एक बहुत लोगों की आज गर्मी ठंडा कर देगा। और हम लोगों ने अपने मत का प्रयोग इसलिए किया है कि हमारा अधिकार बनता है, संविधान को देखते हुए हम लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो है इंद्रदेव जी, आज जो है मौसम आज धीमा है, कुछ लोग अभी आपके भाजपा सरकार के मंत्री कह रहे थे कि देखिए मोदी जी जिस तरह की तपस्या कर रहे हैं, और देखिए आज मौसम का प्रभाव बिल्कुल बदल गया है। मोदी जी की तपस्या का ही फल है ये। अच्छा। तपस्या उधर हो रही है, फल इधर मिल रहा है,
और फल का परिणाम आप जानते हो, जब ये फल मिल रहा है तो परिणाम कितना अच्छा होगा। क्या गुरु कहो, यही बात हो, एकदम परफेक्ट यही बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, और ठीक है, सही है, बहुत लगातार जो हर उम्र के लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, आप ये देखिए तस्वीरें, आप देखिए बुजुर्ग महिलाएं अपने बच्चों के अपने परिजनों के साथ आ रही हैं। वोट करने आए हैं आप यहाँ पर? हाँ जी। क्या एज होगी आंटी आपकी? मेरी जी 75। वाह, तो आंटी इस मौसम में भी आप 75 में एज करने, क्या कहेंगे दूसरों के लिए? देखिए तमाम सारे ऐसी जो वोटर्स, ऐसे जो चेहरे होते हैं, ये प्रेरणा होते हैं। इतना तापमान बढ़ा है और 40% ज्यादा मतदान हो गया है बनारस, इस बार क्या लगता है रिकॉर्ड तोड़ देगा सर? क्यों नहीं तोड़ेगा। अच्छा, जब मोदी जी ने इतना कुछ किया है तो उनके लिए करना ही पड़ेगा बलिदान, उनके लिए करना पड़ेगा। और देखिए एक बुजुर्ग चाची, वोट डलने जाओ तुआ। तो ये देखिए आप उम्र, देखिए क्या उम्र होगी इनकी? इनकी होगी 80 साल। 80 साल, तो 80 से चल। तो चाची मौसम गर्मी ना लगा तो? बड़ा गर्मी लगा, गर्मी लगा था, लेकिन वोट डलवा। हाँ। अधिकार हो जिया थोड़ी तो डाल दे, जिया थोड़ी तो डाल दे। देखा ये भाव हो बनारस के कि जिया तो, कुछ और भी लोगों से बात कर लेता हूँ, बस वोट कर दिया। अरे छोड़ा यार, बातचीत करते रहिए उपेंद्र लगातार, हर तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखाते रहेंगे। लेकिन एक बार ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को वोटिंग परसेंटेज बता देते हैं, 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत क्या कहता है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है मतदान प्रतिशत, महाराजगंज का सबसे पहले 42.29% लोग अभी तक वोट कर चुके हैं। इसके अलावा गोरखपुर की बात करें 37.39% वोटिंग अब तक हो चुकी है, और कुशीनगर की बात करें 40.22% वोटिंग परसेंटेज अब तक सामने आ चुका है। देवरिया की बात करें 39.44% मतदान प्रतिशत अब तक सामने आया। बांसगांव में भी 37% से ज्यादा लोगों ने अब तक वोट कर लिया है, यह आंकड़ा है 37.74% का। बात घोसी की करें तो 38.30% यहां पर वोटिंग हुई है। सलेमपुर में 37.49% वोट अब तक पड़ा है। बलिया में 38.04% है यह आंकड़ा मतदान का प्रतिशत। गाजीपुर में 38.75% वोट अब तक पड़े हैं। इसके अलावा चंदौली में 42.17% आंकड़ा अब तक का मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। वाराणसी में 39.25% लोग अब तक वोट कर चुके हैं।